एक दिन का जो तिहाड़ी था 50 रुपया मैं कमाता था, लेकिन अभी जो है कि मैं साल में 50 लाख का मेरा टर्नओवर है, 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है मेरा। अभी का युवा को हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी बंजर परती पड़ा हुआ जमीन है उसे उपजाऊ योग्य बनाएं और अपना घर में स्वयं रोजगार प्राप्त करें। सदमा गांव कौन सा है? सदमा हाँ यही है। बहुत बड़ा किसान है, खेती करता है। गंसु माँ तो हाँ है क्या कोई? हाँ। कहाँ पे है उनका घर? आगे बगल में दूतला बिल्डिंग। दूतला बिल्डिंग में है। चलो उधर है, उधर उधर भैया। गंसु महतो का घर कौन सा है? ये वाला आप गंसु महतो है क्या? नमस्ते, हम लोग रांची से आए। अच्छा। आपके बारे में इंटरनेट में काफी पढ़ा है तो अच्छा। सोचा आपके साथ एक दिन वीडियो बनाने के लिए आ गए। आपका स्टोरी मतलब हम लोग को पता ही नहीं था कौन है, कहाँ पे, आपका नंबर कुछ नहीं मिला। यूट्यूब में देखे आपका वीडियो तो वहाँ से फिर आपका गाँव का बारे में पता किया तो सोचा गाँव में जाकर पता कर ही लेंगे। अच्छा अच्छा, ये मेरा भैया है। अच्छा, नमस्ते। हम लोग भी महतो ही है, बंगाल से। अच्छा, मतलब रांची में रहते हैं। वेबसाइट है द बेटर इंडिया, तो वहाँ पे आर्टिकल पढ़े थे तो उससे ही फिर हम लोग फॉलो अप करके आपसे मिलने के लिए आ गए। खेती वेती जो करते हैं ना, थोड़ा हम लोग को देखना है आपका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आपका रास्ता जो था ऑर्गेनिक के ऊपर उसको भी थोड़ा जानना है। तो आप अगर यहाँ से तो जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर और अंदर। हम लोग बस बाइक है, तो अगर आप हम लोग के साथ आ जाते हैं तो चलिए। लक्ष्मण How was your feeling that पहली बार आप इतने टाइम के बाद गांव पे आए हो और एंड लाइक अनलोन पर्सन जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं है उनसे मिलने के लिए आ गए आप? No, actually it tickles the exploring part of me and I was a bit bored in city life and I really wanted something new and this is pretty exciting and I really wanted to visit the countryside. चलो मस्त लग जाना जगह। इसी जगह चढ़ना है लाइन है। लाइन है? हाँ, यही मेरा घर। अच्छा, ये पपीता का खेती कर रहे हैं? हाँ, पपीता भी शुरुआत की। हाँ, चलिए चलिए आगे चलिए। हम लोग जिनको इंटरनेट पे ढूंढे थे उनके पास अभी हम लोग पहुंच गए, उनका फार्म में भी अभी हम लोग पहुंच गए। यह है इनका खेती, ये शिमला मिर्च का खेती है। शिमला मिर्च ये सब ऑर्गेनिक है, जितना आप खेती यहाँ देख रहे हैं सब ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक बोलते हो मतलब उससे क्या मतलब होता है, कैसे, किस टाइप का ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है कि जैसे देखिए हम रसायन का कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, जितना भी फर्टिलाइजर कुछ नहीं। फर्टिलाइजर जो है हम अपने से तैयार करते हैं, खुद से तैयार करते हैं, खुद से तैयार। गोबर ओबर सब गोबर गोमूत्र जीवामृत घना जीवामृत उसके साथ वेस्ट डिकम्पोजर मटका खाद ये सब का हम इस्तेमाल करते हैं। ये पीला वाला जो स्टिक देख रहे हैं, ये जो पीला वाला स्टिक है इसमें जैसे है, इसमें जो कीट आता है व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स माइट्स इसमें है, गोंद है, ये गोंद है, देखिए इसमें छोटे छोटे जो कीट है, ये कीट जो है इस पौधे को जो है कि व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स माइट से अमेरिकन बोलबम हो गया उसको इसमें हम गोंद के कारण पकड़ लेते हैं, इसका मादा इसे हम इस तरह से पकड़ते हैं। और उसके बाद एक आता है चर्मन ट्रैप्स, उससे भी हम मादा का उसमें स्मेल रहता है और वो नर कीट को उसमें पकड़ते हैं। तो एक जो है कि अगर मादा कीट जो है नर कीट जो पकड़ा जाता है तो मादा बेचारी क्या करेगी, तो भी कुछ कर नहीं पाता है। तो इस तरह से हम जो है कि पकड़ते हैं और कीट को नियंत्रण करते हैं। दूसरी अच्छा। चीज़ है कि हम इसमें ड्रिप के माध्यम से हम जीवामृत का प्रत्येक पौधे पर देते हैं। दूसरी चीज़ हुआ कि वेस्ट डिकम्पोजर का हम ऊपर से छिड़काव करते हैं, ऊपर से भी हम छिड़काव करते हैं।
और वेस्ट डिकम्पोजर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व जो एक पौधे को 16 पोषक तत्व, सारा पोषक तत्व हम इस पौधे को देते हैं। ये जो प्लास्टिक लगाई हुई क्या है? ये मल्च है। मल्च है, इसमें होता है क्या कि हम कम पानी में ज्यादा से ज्यादा हम फसल को उत्पादन करते हैं। दूसरी चीज हुआ कि जितने खर पतवार हैं उसका इसमें जो है कि नहीं जन्मिशन आता है, खर पतवार नहीं होता है। तीसरी चीज है कि जो वाष्पीकरण से जो मेरा पानी है वो 60-70% वाष्पीकरण के चलते ऊपर चला जाता है पानी, उसको हम नियंत्रण करके 20-25% जो कि मात्र उस वाष्पीकरण होता है और बाद बाकी जितना जो पानी है जो नमी है इसी में बरकरार रहता है। इसे हमको पटवन में सुविधा होता है। दूसरी चीज़ है कि जितना समय में हम 5 एकड़ को पटवन करते हैं मेरा समय का भी बचत होता है। इसे एक फसल हम नेनुआ, इसमें पहले इससे पहले हम नेनुआ लिए, उसके बाद दूसरा फसल है आपका ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप देख रहे हैं 6 महीना हम तुड़ाई कर चुके हैं और इसमें पुनः अभी 4 महीना और तुड़ाई करेंगे हम। एक ही पेड़ से 6 महीना तक रेगुलर हम तुड़ाई किए। अच्छा अच्छा, अभी 4 महीना और तुड़ाई करेंगे इसमें। देखिए अच्छा, हाँ, अच्छा। आप देख रहे हैं इसमें फूल कितना फल आ रहा है। देखिए आप, हाँ इसमें देखिए फूल और फल आ रहा है पूरे। हाँ ये देखिए छोटा छोटा फल इसमें फिर से लगना शुरू हो गया। एक नया हम अभी खेती भी कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी का आप चलिए देख लीजिए। इसराइल का सिस्टम है, नेटाफेम का ये है, ड्रिप इरिगेशन है। कितना खर्चा लगा आपको ये सिस्टम? 90% सरकार देती है, 10% हम किसानों को लगाना पड़ता है। कितना पैसा लगा आपको? यानी 6,000 रुपये एकड़ में हम देते और 60,000 रुपये वो जो है कि गवर्नमेंट देती है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ये लगा हुआ है। और ये पानी कहाँ से मिलता है आपको? ड्रिप बोरिंग है, एक बोरिंग यहाँ है, एक बोरिंग आगे। ये बोरिंग सरकारी मिली है हुई है हमको भूमि संरक्षण के द्वारा और एक बोरिंग खुद हम अपने आप। कितने सालों से अभी खेती कर रहे हैं? खेती तो हम बचपना से ही खेती कर रहे हैं, जब से एक कृषक परिवार से हैं। तो ये आपका 30 दिन का पौधा है, 30 दिन का पौधा है और इसमें फल आ गया। देखिए इसमें फल छोटा छोटा लग गया है, देखिए फल स्ट्रॉबेरी। हाँ स्ट्रॉबेरी फल आ गया है, फल लग गया है ये। अच्छा ये, हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, ये 10 दिन के बाद में तुड़ाई शुरू हो जाएगा। 10 दिन में ये पक जाएगा? हाँ 10 दिन में पक जाएगा ये। और इसका लाल लाल जो होता है? हाँ लाल लाल। अभी इसका रेट जो मेरा रांची का जो स्ट्रॉबेरी है इसका रेट अगर आप सुनिएगा तो हैरान हो जाइए, 2,000 रुपये केजी है। 2,000 रुपये केजी? केजी बिक रहा है रांची में। रांची में ये रांची का स्ट्रॉबेरी और बाहर का स्ट्रॉबेरी 400 रुपये केजी बिक रहा है। क्यों? क्या खास बात? खास बहुत बड़ा बात है। बाहर का जितना स्ट्रॉबेरी है वो खाटा होता है और रांची का जितना स्ट्रॉबेरी है सब मीठा हो गया। तो ये मतलब मिट्टी में भी फर्क पड़ता है? सबसे बड़ा मिट्टी मेरा है, मिट्टी में जो है कि कार्बन का मात्रा मेरा ज्यादा है। हाँ रांची में, जिसके कारण जो है कि मेरा जो भी फसल आ रहा है, चाहे तरबूज खरबूज या तो स्ट्रॉबेरी आ रहा है, इसमें स्वादिष्ट ज्यादा है, जिसके कारण इसका रेट बहुत हाईएस्ट हो गया है। कुछ किसान भाई हमसे पहले जो रोपाई किए हैं उसका निकलना शुरू हो गया है और वो सब बाजार में बेच रहे हैं। ये कितना एकड़ पे आप लगाए हैं पूरा स्ट्रॉबेरी? 50 डिसमिल पर लगा हुआ है और उधर जो है बाकी बचा हुआ है, उधर फिर हम आपको तरबूज का उधर आगे खेती करेंगे। नेनुआ भी लगा हुआ है आपका, तरबूज भी लगा हुआ है, कद्दू भी लगा हुआ है। टोटल सबसे प्रॉफिटेबल आपका स्ट्रॉबेरी है? सबसे जबरदस्त, अभी के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। अगर यदि हमको 200 रुपये किलो भी अगर आ जाए 50 डिसमिल में तो 14 लाख रुपये कहीं नहीं जाएगा। और अगर 2,000 रुपये के केजी के, अगर 1,000 रुपये के जी हम बेच लेंगे तो हमको लगता है कम से कम यहाँ ये आपका 1 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। एक चीज और, जैसे आपने इतने मतलब 50 डिसमिल में आपने ये फसल लगाया है, हाँ, तो इसका आप संरक्षण कैसे करोगे? मतलब इसको देख रहे प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट कैसे करोगे? मतलब जानवरों के लिए तो हम चारों तरफ घेरा लगा देते हैं। दूसरी चीज है कि जानवर के लिए हम वेस्ट डिकम्पोजर जो जैविक एक है ऑर्गेनिक जो यहाँ गाजियाबाद में है वहाँ के तरफ से एक वेस्ट डिकम्पोजर मिला है, जिससे कि इसमें स्प्रे कर देने के बाद इसमें ना तो कोई बैल बकरी या कोई भी जीव दूसरा जीव नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी चीज कि हम जैविक खेती जब से करना शुरू किए हैं उससे है कि हर जीव को हम संरक्षण भी देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ जो जितने फसल जो लगता है इसमें जो है कि सांप वगैरह हो गया ये सब ज्यादा आना शुरू हो गया है मेरे खेतों पे, तो रात में यहाँ लोगों ने कोई भी आदमी आता नहीं है रात में, इसलिए कि सांप का यहाँ बहुत ज्यादा जंगल से जो है कि सर्प जो है कि, क्योंकि इसमें जो है खाने को मिलता है, रसायन में तो वो चीज नहीं है। इनका कोई भी दवा में तो महक होता है उसमें, हाँ हाँ। उसमें खराबी गुण होता है और जैविक में जितना है उसमें तो कोई उसे खराबी गुण नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे चीज रहते हैं कि हर जीव को हम संरक्षित करते हैं। कि हम जब जैविक से खेती करना शुरू कर रहे हैं बहुत लोगों ने बोलता है कि नहीं केचुआ खाद डालो ये, हम नहीं उसको करते हैं, हम अपना जो यहाँ का जो मिट्टी में जो है जो मेरा परंपरागत जो केचुआ है उस केचुआ को खुद हम बुलाते हैं, हमारे खेत में खुद आता है, हम डालते नहीं है केचुआ खाद, खुद मेरे खेत में आता है।
अच्छा, क्योंकि उसको हम उस योग बना देते हैं, उस योग मिट्टी को बना देते हैं कि वो उसको खाना मिलता है। वो मिट्टी को मतलब प्रिपरेशन करना, मतलब ऑर्गेनिक खेती में होता है कि आप मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करोगे, मतलब मिट्टी बनाना पड़ेगा। हाँ, मिट्टी को बनाते हैं जैसे घना जीवामृत से, जीवामृत मटका खाद से, उसके साथ है वेस्ट डी। तो वो मिट्टी बनने में कितना टाइम लगेगा? मिट्टी बनने में 1 से 2 साल के अंदर में, तीसरा साल में आपका मिट्टी पूर्ण योग्य हो बन जाता है। खाद और सब कुछ देने का जरूरत, गोमूत्र, गोबर, ये जो मटका खाद, घना जीवामृत है और जीवामृत है, ये आपका गोमूत्र और गोबर से ही तैयार होता है। कोई ऑर्गेनिक खेती करना चाहेगा तो गाय तो रखना बहुत जरूरी, गाय सबसे कंपलसरी है। कोई भी आदमी कहीं पर एक बंधन में रहता है, एक पंछी भी बंधन में रहना नहीं चाहता है, और जब बंधन से हमें लगा कि हम मुक्त हो जाएं, तो मैं अपना जो खेती था उस खेती को हमने शुरुआत की है, और जो कि 25 किलोमीटर दूरी जाके मैं 50 रुपया रोजाना का मेरा एक दिन का दिहाड़ी था, उसे मैं छोड़ के और मैं अपना खेती करना शुरू किया। पहले मैं 50 रुपया रोजगार के लिए रांची शहर जाता था, दिन भर मैं काम करके आता था और थका हुआ फिर मैं सो जाता था। लेकिन आज मैं जो खेती कर रहा हूँ, जैविक विधि से खेती कर रहा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि हर किसान को खेती करना चाहिए। किसान का बेटा है, उनका गर्व होना चाहिए। खेती जो है कि एक आज के समय में मुनाफे का धंधा है। लोग कहते हैं कि खेती एक नुकसानदेह काम है या तो उसमें मुनाफा नहीं होता है, लेकिन हम जब से खेती किए हैं इसमें ही हम अपना जीवन को ढाल चुके हैं। आज तक हमने अपना खेती तो मैं जो भी जैविक विधि कर रहा हूँ, साथ ही मैं अभी तक आज के तारीख तक में हमने 20,000 किसानों को प्रशिक्षित करके और जैविक खेती करवा भी रहा हूँ, जिन्होंने बहुत दूर दूर तक बंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली वगैरह दूसरे राज्य जो अपने रोजी रोजगार के लिए काम करने जाते थे, उसे मैं अपने घर में ही वो रोजगार दे रहा हूँ। उन्होंने भी 5 लाख से 10 से 20, 25, 50 लाख तक का सालाना हमारे दिखाए हुए रास्ते पर जाकर और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं।